उठ जाओ, बज गए हैं 7:30। मेरे को उठने का टाइम है क्या? उठो। उठ जाओ, उठो। अभी उठ रहे थोड़ी देर में। नहीं उठोगे? अभी उठ रहे हैं। उठो, 8 बज गया। तुम चाय बनाओ, चल के हमारे। चाय बन गई है तो तुम छानो, चल के हमारे। ये क्या हो रहा है? ये लग रहा है ये जवानी वापस आ रही है। ये जवानी वापस आने का एक ही तरीका है, ये कर दो काले, ये झोल के अंदर मोल है। आज तो संडे है ना, संडे को जवानी वापस लाएंगे, 6 दिन चलेगी पूरा। चाय बन गई है, बन के हो गई है तैयार। ये बन रही है चाय और हम जा रहे हैं सब्जी बनाने। बंद गोभी आलू की मैंने काट के तैयार कर रखी है। ये रखे टमाटर, असमय जब जवानी चली जाए तो कैमरे में देख के लगा और लोगों को भ्रमित करने लगे सफेद बाल, तब आएगी गार्नियर का कमाल। लगाइए पूरा इसको ब्लैक करिए। यहाँ तुम इसमें लगे पड़े हो। ठीक है, बाय बाय। ले आओ गुनगुन को। जाओ गुनगुन को लाएंगे तुम प्याज छीलो, पहले चाय पे कंसंट्रेशन करो। एल्युमिनियम के भगोने में चाय मत बनाया करो, इतना नुकसान करते। आज नहीं कभी मत बनाओ। एल्युमिनियम के किसी बर्तन में कोई खाना यूज मत करो बनाने में। इसमें क्या करें बताओ? इसका भगोने क्या है? इस भगोने का इसको तुम रखो पानी वानी गर्म करने के लिए। पानी गर्म करने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए नहीं, ऐसे पानी गर्म करने के लिए। इस भगोने का हटा दो, इसको बेच दो, वहां ले जाके रिप्लेस कर दो, कोई दूसरा ले लो। सब्जी क्या बना रही हो? बंद गोभी आलू की है। इसमें मिर्चा कौन सी है? मिर्चा नहीं है, ये 2-3 कुंदरू रहेगा जब हमने डाल दिए। वो अलग से क्या बनाया है? 4 सब्जियां बनाई नहीं, ये चाय और ऐसे ही नमकीन नहीं है इसके साथ। नमकीन दे ले, रुक जाओ। सुबह सुबह खाली खाली चाय। ठीक है, बिटिया का बाकर किसने डाला बीच में? जवानी वापस आएगी डाई लगा की। ये मम्मा माता जी इनको बाल काटने में बहुत सारा माती है, ये इनको जिंदगी में बाल काटने से इतनी दिक्कत है, ये ऐसी घूमती रहेंगी सुबह से शाम तक, बाल नहीं काटेंगे। ये गुनगुन है, ये शैतानी की माता है। हाँ अभी ले रहे, अभी ले रहे, रुको ले लो चाय ले लो। तुम्हारे कपड़े हैं प्रेस के लिए। शर्म नाम की चीज नहीं रह गई है। बड़ा भाई सुबह चाय, भाभी चाय बना रही, बड़ा भाई चाय ले घूम रहा है, पिताजी नेकर पहने घूम रहे हैं पटरा वाला। कह रहे देखो है, देखो है, लियो चाय लियो। नहीं रुक, पेपर बहुत पसंद, पेपर बहुत पसंद ना, बहुत पसंद पेपर। ले ले पेपर, ले पेपर, ले पेपर, ले पेपर। गुनगुन, रजत चाचा कानपुर वाले। रजत चाचा आज प्लाट पे गए थे। हाँ प्लाट पे गए थे। प्लाट पे क्या हुआ? प्लाट पे आज मट्टी पड़ेगी रात में। रात में क्यों? ये लोग रात ही में डालते हैं, पैसा लेते हैं ना, डंपर डंपर मट्टी डालते हैं ये लोग। रात में जिसको लेबर वाला ठेका दिया है वही मिस्त्री आएगा, डंपर वाला डालेगा, अगर डालेगा 5,000 रुपया एक डंपर का लेगा, आज रात में डालेगा। काम शुरू हो चुका है, बिल्डिंग भवन बन रहा है, कोठी मतलब लखनऊ की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन रही है हमारी। हमारी कोठी लखनऊ की नहीं बन रही, हमारा बहुत छोटा सा मकान बन रहा है। नहीं वो छोटा सा नहीं, हमारे लिए तो इससे बड़ा कमरा जिसमें हम लेते हैं। इधर लाओ, इधर लाओ, मेरा बहुत छोटा सा मकान बन रहा है और यूट्यूब के पैसे से नहीं बन रहा है। हाँ वो तो लगे यूट्यूब के पैसे से बन रहा है। यूट्यूब के पैसे ज्योति तुम्हारा घर नहीं है, ज्योति तुम्हारा घर नहीं है, ज्योति तुम किराए पे रहती हो क्या? तो प्लीज आप लोग आइएगा और पसर जाइएगा मेरे घर में। और मेरे रिश्तेदारों के बड़े चुनूने काट रहे थे, तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारे घर नहीं है, अब मेरा घर बन रहा है छोटा, क्यों नहीं कहें?
जिसने कहा है डायरेक्ट उसके लिए वो भी देख के समझ अच्छा जाएगा। और मेरे रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा नींद नहीं आती थी रात में, उनका बीपी शुगर सब बढ़ गया था कि ज्योति का घर नहीं है और ज्योति का जेवर पे उनका पूरा फोकस रहता है कि ज्योति कौन सा जेवर पहन के जा रही है, ज्योति कब जा रही है, ज्योति गाड़ी से जा रही है, ट्रेन से जा रही है, बैलगाड़ी से जा रही है, अपने भाई के पूरा फोकस मेरे ऊपर रखते थे। जो है अब वो है चैन से सो पाएंगे, अब आराम अब लाओ से, हमें हमें एक दर्द की कथा और बताएं। दर्द की कथा बाद में बताना और उनको अरे जो है लाओ रुको यार देखो दिमाग भी तेज चल रहा है। भैया किराए की गाड़ी करने में ससुराल जाएंगे, चाचा जाते हैं भैया रिश्तेदारों हम को ज्यादा देखा, मैके नहीं इतनी बड़ी जाते हैं, एक साल रिश्तेदारी में एक है। बार मैके जाते हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, समस्या ये है कि कुछ भी ना हो दिखना चाहिए। क्यों गलत कह रहे हैं?